न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए 8 बजे की 8 बड़ी खबरों को लेकर और विस्तार से इन तमाम खबरों के बारे में जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे इस खास बुलेटिन में। तो चलिए बात सबसे पहली खबर की, झारखंड की बात करेंगे, जहां झारखंड के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की हेमंत सोरेन के विधायक रायपुर पहुंच गए हैं। दूसरी खबर, पटना में तेलंगाना के सीएम केसीआर और सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की खबर। तीसरी खबर, आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल, आज तीसरी गारंटी का ऐलान करेंगे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता। चौथी खबर, दुमका में अंकिता के घर वालों से मिलेगी एनसीडब्ल्यू की टीम। पांचवी खबर, अमेठी से जहां मामूली कहासुनी के बाद धारदार हथियार से हमला कर पति ने पत्नी की हत्या की है। छठी खबर, महंगा हो सकता है हवाई सफर क्योंकि एयरफेयर से कैप केंद्र सरकार ने अब हटा लिया है। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्र से 2 संदिग्ध कश्मीरी नागरिकों को पकड़ा है। आखिरी खबर, आज गणेश चतुर्थी है, घर आएंगे बप्पा मौर्या। इन सारी खबरों पर इस बुलेटिन में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात सबसे पहली खबर की होगी, झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अभी भी जारी है। यूपीए विधायक पहुंचे रायपुर, बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कमर कस ली है। सरकार बचाने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में लग्जरी इंतजाम किया गया है। कांग्रेस विधायकों पर घेराबंदी की गई थी, तो सरकार बचाने की कोशिश में हेमंत सोरेन जुटे हुए हैं और रायपुर के एक रिजॉर्ट में 5-स्टार होटल में इन्हें रोका गया है। झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, विधायकों को रिजॉर्ट पहुंचाया जा रहा है। यूपीए विधायक अब रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, यहां पर हेमंत सोरेन ने अपनी कमर कस ली है और लगातार सरकार बचाने में जुटे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रिजॉर्ट में क्या कुछ हो रहा है। रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को जो है शिफ्ट किया गया है। कमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखिए रिजॉर्ट तक तो पहुंच गए हैं तमाम जो नेता हैं, लेकिन आगे इसके क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है, वहां क्या कुछ हलचल है? देखिए अभी फिलहाल रिजॉर्ट में जहां उन्हें रखा गया है उनसे किन्हीं को मिलने की इजाजत नहीं है और खास करके वहाँ जो इंतजाम किए गए हैं, जो स्टाफ भी हैं, वो जो चुने हुए स्टाफ है वही वहाँ तक जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर खास तौर पर निगरानी रखी गई है ताकि किसी भी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग जैसी स्थिति ना आए, क्योंकि 2 दिनों पहले भी यूपीए गठबंधन दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशंका जताई थी कि जिस तरह से राज्यपाल के द्वारा निर्णय सुनाए नहीं जा रहे हैं, ऐसे में भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग का समय मिल रहा है और आशंका उन्होंने जाहिर की थी कि हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले, खरीद फरोख्त हो। इस वजह से भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये रणनीति के तहत उन्हें शिफ्ट किया गया है रायपुर में। कल मुख्यमंत्री ने कहा भी कि ये कोई नई बात नहीं है और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इस तरह की पॉलिटिक्स होती रहती है और रणनीति के तहत उन्हें शिफ्ट किया गया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि कोई अनहोनी भी नहीं होनी है, जो लोग इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं उसके खिलाफ रणनीति के तहत की सभी को शिफ्ट किया गया है और कोई भी समस्या नहीं है सरकार में। जो भी परिस्थिति आएगी, राज्यपाल के द्वारा जो भी निर्णय सुनाए जाएंगे, चुनाव आयोग द्वारा जो निर्णय आए हैं, उस परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है। रिसोर्ट में फिलहाल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा सभी के साथ बैठक भी की गई है और वर्तमान झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात की को लेकर के चर्चा भी हुई है और आगे की रणनीति भी तय की जा रही है कि अगर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सदस्यता को खत्म किया जाता है और अगर बैन किया जाता है या फिर और भी जो भी निर्णय आते हैं उससे कैसे निपटा जाए। फिलहाल आज उम्मीद है कि आज तक वो रिसोर्ट में ही रहेंगे। 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री की ओर से, तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कल वह वापस भी आ सकते हैं। वहीं जेएमएम के 11 और कांग्रेस के 5 विधायक नहीं गए हैं, अपनी जो वजह रही है वो भी बताई गई है। और फिलहाल अब देखना यह है कि रिसॉर्ट से क्या कुछ रणनीति के तहत वापस लौटते हैं सभी विधायक, मुख्यमंत्री क्या आगे की रणनीति तय करते हैं।
लेकिन हेमंत सोरेन अभी लगातार इस चिंता में है कि आखिर अपने तमाम जो विधायक हैं उनको कैसे वो बचाए रखे। दूसरी चीज तो ये भी है कि रायपुर में पहुंचना इन विधायकों का, इसके मायने क्या है? रायपुर को ही क्यों केंद्र चुना गया झारखंड की राजनीति के लिए? चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उसको सेफ जोन मानते हुए कांग्रेस की ओर से और यूपीए गठबंधन की ओर से रायपुर को चुना गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार चूंकि सेफ रहेंगे सभी विधायक, जिस तरह से लगातार विधायकों पर डोरे डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया जाता रहा है यूपीए की ओर से, पिछले दिनों 3 विधायक कोलकाता में पकड़े गए थे कैश के साथ, जिसके बाद आरोप भी लगाया गया और FIR भी दर्ज कराए गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि भाजपा की ओर से खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सेफ जोन के रूप में मान रही है हेमंत सरकार, और इसी वजह से सभी विधायकों को वहाँ शिफ्ट किया गया है ताकि वहाँ तक भाजपा की जो रणनीति है, जो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो यही मानकर माना जा सकता है कि उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात दूसरी खबर की करेंगे। बिहार के दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच सियासी मुद्दों पर चर्चा होगी। 2024 के चुनावी रण की तैयारी करेंगे KCR। तो के चंद्रशेखर राव आज आपको बता दें कि मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार से। बिहार के दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR और यहां पर उनकी मुलाकात सीधे नीतीश कुमार से राजनीतिक मुद्दों को लेकर होगी, और साथ ही जो प्रभावित परिजन हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो देखिए सीएम नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम होगा, उसमें भी KCR जो है शामिल होंगे नीतीश कुमार के साथ। बिहार में सत्ता में जो परिवर्तन देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में, और जिस तरीके से बिहार में तमाम चीजों में बदलाव हुआ, उसके बाद के चंद्रशेखर राव बिहार जा रहे हैं और यहां पर वो मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार से। संजीव राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव देखिए बिहार में पिछले कुछ दिनों बहुत कुछ हुआ, लेकिन चेहरा अभी भी वही है। नीतीश कुमार से मुलाकात के मायने क्या है KCR के? देखिए KCR के मुलाकात के कई सारे मायने, एक तो मायने ये है कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट होना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की एक जो तैयारी है, तो जिस तरह से आज तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार से मिलेंगे, जो जानकारी मिल रही है लंच पर एक साथ बैठेंगे और कई सारी बातें होनी है, जिसमें कि जो राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए और खासकर बिहार और तेलंगाना के बीच एक बेहतर सामंजस्य बने, और कई सारी मतलब कह सकते हैं चीजों पर बात भी होगी। लेकिन मुख्य रूप से यही एक जो आज मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य है किस तरह से विपक्ष को एकजुट किया जाए। देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं, लगातार उनके जो मंत्री हैं प्रहार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में विपक्ष को एकजुट होना होगा और नीतीश कुमार के चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए उनके ही दल और तमाम दलों से जिस तरह से बातें आ रही है, राजद खुलकर जिस तरह से सामने आ गया है, तो एक तरह से एक कवायद है कि पूरे देश में कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो अन्य घटक दल है उनको एकजुट करते हुए जो आने वाला 2024 का मिशन है उसमें लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को प्रेजेंट कैसे किया जाए ताकि एकजुटता बने। क्योंकि देखिए इसमें कई सारे ऐसे सवाल भी हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, वो पुरानी नेता रही है, एक अपनी पकड़ रखी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो युवा के चेहरे पर अखिलेश यादव है, और तेलंगाना में जिस तरह से देखिए अभी नीतीश कुमार की आज मुलाकात होगी उसमें क्या कुछ बातें निकलती हैं, और भी कई सारे कार्यक्रम हैं तेलंगाना के सीएम के, दूसरे स्टेट भी यहां से जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से यही माना जा रहा है कि तेलंगाना के सीएम जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, उस मुलाकात का सिर्फ एक ही मकसद माना जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से बिहार में मजबूती किया जाए, विपक्ष को एकजुट किया जाए, ये एक कोशिश है।
बिल्कुल देखिए, लेकिन संदीप एक चीज और भी है यहाँ पर कि राजनीति में जनता जनार्दन तो अहम होती ही है, लेकिन लोकतंत्र में आंकड़ों का भी खेल बहुत जबरदस्त होता है और उन्हीं आंकड़ों को साधने के लिए सारी कवायद की जा रही है। बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सिर्फ बिहार के परिदृश्य में अगर कोई एक प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट कर दे तो ये इस तरह से बातें करने से नहीं होगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो चुनाव से लगातार जनता के बीच, और इस बार जो एक रिपोर्ट आई है, एक बेहतर, एक बेस्ट प्रधानमंत्री के तौर पर उनको कह सकते हैं कि एक नवाजा गया है, उनकी बातें आ रही है, तो ऐसे में विपक्ष को बहुत मजबूती से आगे होना, क्योंकि कांग्रेस लगातार जनाधार अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जनाधार अभी होना चाहिए, राहुल गांधी देखिए लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस को पहले अपना जनाधार मजबूत करना होगा, उसके अलावा अन्य दलों को ये देखना होगा कि उनकी मजबूती या उनका सीट शेयरिंग क्या है। तो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सीटें हैं उन सीटों पर क्या विपक्ष एकजुट काबिज हो सकता है, और जातीय समीकरण तमाम कई सारे मुद्दे हैं और इतना आसान राह भी नहीं है, इसमें भले ही कोशिश हो रही हो। और देखिए आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, बिहार में भी बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी जिस तरह से अगले महीने जो जानकारी मिल रही है, खुद अमित शाह यहाँ कैंप कर रहे हैं, जेपी नड्डा कैंप कर रहे हैं, उन इलाकों से कर रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज, अररिया और तमाम जगहों पर वो खुद जा रहे हैं, वहां पे जनसभा सबको संबोधित करेंगे। तो बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटजी अपना रही है कि किस तरह से इन सब चीजों को शिकस्त दिया जाए और कैसे रणनीति बनाई जाए। चलिए बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरी खबर की भी करेंगे। मिशन हिमाचल में जुटी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी सरकार की तीसरी गारंटी महिला सशक्तिकरण पर होगी। आम आदमी पार्टी का जोर है लगातार कि तमाम वर्ग को साधा जाए। केजरीवाल, सिसोदिया और भगवंत मान मौजूद रहेंगे। मनीष सिसोदिया तीसरी गारंटी का ऐलान करेंगे। पालमपुर में आम आदमी पार्टी सरकार की तीसरी गारंटी का ऐलान आज किया जाएगा। आज एक बार फिर मिशन हिमाचल पर आम आदमी पार्टी है और कई गारंटी ऐसी हैं जो आज हिमाचल में इनका ऐलान किया जाना है। तो आज तीसरी गारंटी का ऐलान किया जाएगा और तीसरी गारंटी महिला सशक्तिकरण को लेकर हो सकती है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी कर सकती है। मोहित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है आज मिशन हिमाचल पर आम आदमी पार्टी? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए मोहित कि आज तीन बड़े चेहरे पार्टी के, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तीनों ही मोर्चा संभालेंगे आज, क्या ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल देखिए, इसमें ये साफ है कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के बाद अब अपना कह सकते कि वोट बैंक बढ़ाना चाहती है हिमाचल प्रदेश में भी, और दावा तो ये कर रही है आम आदमी पार्टी कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो रिवाज चलता आ रहा है वो रिवाज तोड़ेगी, यानी हिमाचल में अब कांग्रेस और बीजेपी नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी रहेगी। हालांकि चुनौती बहुत है, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आज अगर बात कर लें तो गारंटी जो है एक और गारंटी दी जाएगी, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हैं या भगवंत मान हैं, लगातार हिमाचल की धरती पर आ रहे हैं और कई गारंटी जो है वो दे रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से पंजाब चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फतह हासिल की थी उसके बाद से एक चुनौती बनकर उभरी है आम आदमी पार्टी, और इस बार जो है आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है हिमाचल प्रदेश में, कहीं ना कहीं दबी जुबान से ही सही, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे अपने लिए एक चुनौती मानकर चल रहे हैं। आज जो है आम आदमी पार्टी की जो नेता है महिलाओं के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कोई बड़ी गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में महिला वोटरों की जो तादाद है वो सर्वाधिक है, काफी ज्यादा है, और ऐसे में एक बहुत बड़ा किरदार महिलाएं निभाती हैं हिमाचल में कोई भी सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे जो है आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है वो बीजेपी ये मान के चल रही है कि ये जो ट्रेंड चला रहे हैं पिछले 30 सालों से, यानी एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस ट्रेंड को तोड़ते हुए, इस प्रथा को तोड़ते हुए मिशन रिपीट जो है वो बदला किया जाएगा और रिवाज जो है वो बदला जाएगा, यानी रिवाज वही एक बार बीजेपी पर कांग्रेस। कांग्रेस की भी तैयारियां पूरे तरीके से चल रही हैं, अगले 2 दिन तक कांग्रेस का मैराथन मंथन जो है वो हो रहा है, शिमला में ही चल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी चाह रही है कि सत्ता में किसी ना किसी तरीके से उसकी वापसी हो। तो इस बार मुकाबला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर जो आगामी जो
चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुद्दों की कमी किसी भी दल के पास नहीं है। लेकिन जनता ने क्या मन बनाया है ये जो है वो जनता जानती है, और ऐसे में अपने अपने मुद्दों को लेकर के, अपने अपने वायदों को लेकर, गारंटी को लेकर के तीनों ही दल जो है इस बार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही NCW की टीम दिल्ली से रांची पहुंची है, परिजनों से मिलने दुमका जाएगी NCW। NCW की टीम अंकिता के घर जाएगी। अंकिता हत्याकांड पर अब NCW सक्रिय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अंकिता के घर जाएगी। तो बता दे NCW की जो टीम है वो अंकिता के घर आ जाएगी, और अंकिता हत्याकांड पर अब NCW जो है वो एक्टिव हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के तमाम जो सदस्य हैं वो आज जाएंगे अंकिता के घर, और यहां भी मुलाकात होगी परिजनों से। दुमका जाएंगे और दुमका में मुलाकात होगी NCW की अंकिता के परिजनों से। तो अंकिता हत्याकांड मामले पर लगातार जांच चल रही है, हिरासत में भी लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है आरोपी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय, जिसकी गुहार खुद अंकिता लगाते लगाते जिन्होंने आखिरी सांस ली, और परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि हमें न्याय मिले इस पूरे मामले पर। NCW की जो टीम है वो परिजनों से मिलने दुमका जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम अंकिता के घर जाएगी और उनसे मिलेगी, बातचीत करेगी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं अब आने लगी हैं, लेकिन चौतरफा अगर देखा जाए तो दुख जाहिर किया जा रहा है जो ये घटना हुई है, और हत्याकांड के बाद से ही तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ी बात सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसके बाद अब NCW की टीम सीधे दुमका जाएगी और यहाँ पर अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेगी। कमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, आज NCW की टीम जो है वो दुमका जाएगी और मुलाकात भी करेगी अंकिता के परिवार वालों से, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह की घटना हुई है अंकिता सिंह हत्या मामले में, उसमें लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, और इसको लेकर के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल है, उन्होंने भी नाराजगी जताई है पुलिस के रवैये पर, और महिला आयोग की टीम भी इसकी पूरी जांच करेगी ताकि ये साफ हो सके कि इस तरह की घटना कैसे घटी, इसमें किसकी लापरवाही थी, और जो भी इसमें लापरवाही के तौर पर पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं सरकारी अमला जहां इसको लेकर के जांच पड़ताल कर रहा है, मुख्यमंत्री ने ADG लेवल की टीम को गठित किया है जो इसकी जाँच कर रही है, और किस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, कोताही क्यों बरती गई, इस पर पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है। ऐसे में महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसको संज्ञान लेकर इसकी जांच पड़ताल के लिए आ रही है, और कहीं ना कहीं उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। देश में आम लोगों पर महंगाई का असर पड़ सकता है। देश में अब हवाई सफर महंगा हो सकता है। जी हाँ, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि आज से हवाई किराए पर लगाई गई लिमिट को केंद्र जो है वो खत्म कर रही है। बता दें कि 2020 में लॉकडाउन के बाद दोबारा हवाई यात्रा शुरू होने पर ये कैप लगाया गया था ताकि किरायों को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन अब इस कैप को हटा दिया गया है और आज से कहा जा सकता है कि जो हवाई सफर है वो महंगा हो सकता है, क्योंकि अब एयरलाइंस खुद डिसाइड करेंगे कि उनकी जो कीमत है वो क्या होगी, उनके प्राइस क्या होंगे। सफर के दौरान यात्रियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा, और ऐसे में इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि जो कैप लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। वहीं अमेठी में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी धारदार हथियार से।
मौत के घाट उतारा महिला का अपने पति से कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। थाने में जाकर खुद पति ने सरेंडर भी किया है कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। तो धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा है पति ने पत्नी को, जिसके बाद खुद थाने में जाकर सरेंडर भी किया। विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। विवाद हुआ दोनों के बीच किसी बात को लेकर, कहासुनी हुई और उसके बाद पति ने सीधे मौत के घाट उतारा पत्नी को। अमेठी का ये मामला है, अमेठी में सनसनीखेज मामला। विवाद के बाद पति ने पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया और ऐसे में धारदार हथियार से हमला किया पत्नी पर और खुद सरेंडर भी किया थाने जाकर।